ऑस्ट्रेलिया exactly yeah, की शानदार फतह ना सिर्फ मैच जीते बल्कि सीरीज भी अपने नाम कर ली और यह मामूली बात नहीं है इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराना आसान काम नहीं होता 2015 के बाद इंग्लैंड एक बायोलेटल सीरीज हारे हैं और वो भी अपने आज राइवल्स और ट्रेडिशनल राइवल्स ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार गए सो चुभन तो महसूस जरूर हो रही होगी मगर ऑस्ट्रेलियंस रिचली डिजर्व करते हैं ये प्लेटफॉर्म ये पोडियम ये जो विक्ट्री उनको हासिल हुई है क्योंकि जब 302 का टारगेट सेट किया इंग्लैंड ने उन्होंने भी बड़ी अच्छी फाइट बैक की बैट के साथ आ, पहले दो बॉल में दो विकटें स्टार्क ने ले ली थी सो शुरुआत बहुत ही खराब थी इंग्लैंड की उसके बाद बेस्टो की शानदार सेंचुरी बड़ा अच्छा खेले वो बिलिंग्स की हाफ सेंचुरी थी सो मरते मरते लड़ते लड़ते 300 तक स्कोर को पहुंचा दिया और फिर ऑस्ट्रेलिया के तिहत्तर पे पांच खिलाड़ी आउट कर दिए कोई भी और टीम होती तो बैठ जाती मगर ऑस्ट्रेलियंस टेम्परमेंटली स्ट्रांग है मेंटली स्ट्रांग है और जब आपके पास मैक्सवेल हो जिनके पास एक्स फैक्टर है तो फिर घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब एक्स फैक्टर मैक्सवेल जैसा मौजूद हो तो ऑन द डे फिर आपको वो मैच ही जिताएंगे शानदार सेंचुरी स्कोर की उन्होंने कैरी ने शानदार सेंचुरी स्कोर की अपने करियर की पहली पार्टनरशिप छठी विकेट की 200 रन से ज्यादा की लगी और मौके मिले इंग्लैंड को इसलिए कि के कैरी के का कैच नौ रन पे लिया आदिल रशीद ने मगर आर्चर ने वो नो बॉल कर दी थी इसी तरह से मैक्सवेल का कॉट बिहाइंड छूट गया मगर ये चीज़ें होती रहती हैं इसलिए कि सिचुएशन को लाजवाब तरह से रीड किया इन्होंने और जैसे वो होता है ना नेवर से डाय स्पिरिट से और जैसे ऑस्ट्रेलियंस खेलते हैं उसकी एक शानदार एग्जाम्पल हमें मिली इस पार्टनरशिप के थ्रू देखें आप अगर किसी भी एक्स क्रिकेटर से बात कर लें या क्रिकेटर्स से बात कर लें या करंट प्लेयर्स से बात कर लें कि इस इंटरनेशनल सर्किट में मेंटली सबसे स्ट्रांग कौन सी टीम है तो सबसे ज्यादा नाम ऑस्ट्रेलिया का ही लिया जाएगा वेरियस uh, डेकेड्स में एराज में इनका टैलेंट ऊपर नीचे जरूर होता है मगर इनकी जो फाइटिंग एबिलिटी है वो कांस्टेंट रहती है जैसे इनके इनके डीएनए में है ये नेवर गिव अप वाली स्पिरिट से खेलते हैं और इसकी आज एक शानदार मिसाल हमें और देखने को मिली फिर आप बहुत कुछ सीखते हैं ऐसी टीम से कि जब आप पे प्रेशर पड़ता है तो उससे प्रेशर से निकलने के लिए आप क्या स्ट्रेटजी बनाते हैं uh, किस तरह से काउंटर अटैक करते हैं कौन सी शॉट्स खेलते हैं uh, किस लेंथ के ऊपर बड़ी हिट लगाने की कोशिश करते हैं और कब बड़ी हिट लगानी है मैक्सवेल ने बताया एक साइड पे बाउंड्री बाउंड्री आज छोटी थी थी गज, गज की सात छक्के लगा दिए उन्होंने और को टारगेट किया आ, और फिर सिंगल्स भी बहुत अच्छी निकाली इनफैक्ट इंग्लैंड के जो दम है वो टूटा क्योंकि वो चौके और छक्के भी नहीं रोक सके और फिर सिंगल्स भी मिलती रही जिससे कि पार्टनरशिप को मोमेंटम मिलता रहा आ, और ऑस्ट्रेलियंस जीत गए देखिए जब अच्छी टीम्स के खिलाफ आप खेलते हैं तो बहुत कुछ सीखते हैं चाहे आप जीतें या हारें और मैं यही चाहूँगा कि पाकिस्तान भी अपना कैलेंडर कुछ इस तरह से बनाए कि एटलीस्ट एक ज़रूर अच्छी टीम से मुकाबला हो वाइट बॉल क्रिकेट में या टेस्ट क्रिकेट में आ, घर में ख़ासतौर पर इसलिए कि घर में थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आपको मिल जाता है एज अ होम टीम और फिर आप सीखते बहुत ज़्यादा हैं चाहे जीतें या हारें आप आ, आ, को पता चलता है कि गलतियां आपकी एक्सपोज़ हुई हैं और अगली दफ़ा जब आप ऐसी टीम के खिलाफ उतरते हैं तो आपको पता चल जाता है कि क्या अच्छा करने की ज़रूरत है और आपको गलत फहमी भी नहीं रहती है क्योंकि जब आप लोड रैंक साइड से खेलते हैं और जीतते हैं तो खुशफहमी भी एट टाइम्स आपको हो जाती है मगर हमेशा कोशिश यही करनी चाहिए कि अगर लर्निंग कर्व पे आपकी क्रिकेट को जाना है तो अच्छी टीम के ख़िलाफ़ अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएं जीतें तब भी फायदा है हारें तो एक तरह से तब भी फायदा होता है क्योंकि आपको पता चल जाता है कि कहां पे गलती हो रही है ऑस्ट्रेलियंस ने लाजवाब यह सीरीज़ खेली है और बहुत दाद देनी पड़ेगी और इनको बहुत बहुत मुबारक आप मुझे भी मुबारक दें इसलिए कि चार महीने के बाद मैंने बाल कटवाएँ और इस पर मैं आपके खास एनालिसिस ना का वेट करूँगा बहुत बहुत शुक्रिया <laughs>